पांचवी बोर्ड के शुल्क को लेकर बड़ौदा में कस्बे के निजी शिक्षण संस्थानों के प्रधानों ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया। अध्यक्ष नरेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि राजस्थान सरकार के शिक्षा निदेशक बीकानेर ने पांचवी बोर्ड परीक्षा शुल्क वसूली के आदेश जारी किए हैं, जिसका विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया कि आरटीई प्रावधानों में 1 से 8 तक किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना नियम विरुद्ध है। इसका प्रामाणिक उदाहरण है कि 8वीं बोर्ड परीक्षा में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है, फिर 5वीं का शुल्क राजकीय विद्यालय से नहीं लेना और गैर राजकीय विद्यालयों से लेना नियम विरुद्ध है और भेदभाव की श्रेणी में आता है। राजस्थान सरकार ने जो 5वीं बोर्ड की परीक्षा शुल्क को लेकर के आदेश निकाला है, उसके विरोध में हम मुख्यमंत्री के नाम से सभी स्कूल संचालक तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने आए हैं। सरकार ने जो ये आदेश निकाला है वो बिल्कुल अव्यवहारिक और दोगला है। इसके हम कड़े शब्दों में घोर विरोध करते हैं और बड़ौदा में नहीं और राजस्थान में कोई भी निजी स्कूल ये 5वीं बोर्ड की परीक्षा शुल्क को जमा नहीं कराए।